हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज पटेल एजुकेशन में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले ही मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें सभी बच्चों के एग्ज़ाम कमेंसमेंट डेट बता दिया गया है कि कब से आप लोगों का एग्ज़ाम चालू होने वाला है। खासकर 13 के जो बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम 13 दिसंबर से ही चालू होने वाला है। यस दोस्तों, 3 दिन के बाद ही चालू होने वाला है। और काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें अभी तक अपना टाइम टेबल नहीं पता, काफ़ी लोगों के मैसेज आ चुके हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के टाइम टेबल के रिलेटेड एक वीडियो बना दे रहा हूँ जैसे कि आपको इस स्क्रीन पे दिखना। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, बिकॉज ऐसे ही एजुकेशन रिलेटेड वीडियो आपको दोस्तों मिलते रहेंगे। दोस्तों, जैसे कि इस वक्त स्क्रीन पर दिख रहा है कि आपका एग्ज़ाम 13 दिसंबर से चालू होने वाला है, ठीक है। टाइमिंग सभी एग्ज़ाम का सेम है, 11 से 2 बजे तक का टाइम है। 3 आवर्स का आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। पहला पेपर है दोस्तों फाउंडेशन कोर्स का, फिर 15 तारीख एक दिन का आपको गैप दिया गया है, सेम टाइमिंग रहेगा। बिजनेस कम्युनिकेशन का एग्ज़ाम है 17 तारीख, 2 दिन की छुट्टी है आप लोगों को दोस्तों। उसके बाद आपका 17 तारीख के दिन एग्ज़ाम है बिजनेस इकोनॉमी। देन 20 तारीख डायरेक्ट दोस्तों आपको 3 दिन की छुट्टी मिली, मतलब आपको पढ़ाई के लिए भी टाइम दिया गया है। इस टाइम टेबल को उस तरीके से बनाया गया है। जो 20 तारीख को दोस्तों आपका पेपर है वो है कॉमर्स पेपर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स। देन उसके बाद दोस्तों जो आपका एग्जाम है वो है 22 तारीख, इधर भी आप लोगों को छुट्टी मिल रही है इन्वायरमेंटल स्टडी के लिए। देन डायरेक्ट आपको 24 को एग्जाम है, इधर भी आपको छुट्टी मिली है। मैथमेटिक्स का एग्जाम होगा और डेफिनेटली मैथमेटिक्स एग्जाम के लिए आपको छुट्टी चाहिए ही होगी। देन उसके बाद दोस्तों आपको अकाउंट्स के लिए भी अच्छा खासा टाइम मिला है, सीधा 27 दिसंबर को एग्जाम रखा हुआ है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट का पेपर है। तो दोस्तों ये टाइम टेबल है, जिन भी FY BCom के स्टूडेंट हैं, जिन्हें भी आप दोस्तों को अगर ये टाइम टेबल नहीं पता था तो दोस्तों ये टाइम टेबल आप फॉलो कीजिए, क्योंकि 3 दिन में ही आपका एग्जाम है। और आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए। कुछ भी हेल्प चाहिए होगा तो दोस्तों आपको मैं हेल्प देने के लिए अवेलेबल रहूँगा। मेरे से जितना ट्राई कर पाऊँगा आपके हेल्प करने की मैं कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत दोस्तों।